करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर वन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, और ये टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दैट इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सेंटर से 17 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। तो टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, आपको पता है कि ये टेंजेंट है, पीए टेंजेंट है, तो OA जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, सबको पता है, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल PAO, ये PAO किस तरह का ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो इसमें देखिए हाइपोटेनस का लेंथ है 17 सेंटीमीटर, राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस तो आप जानते ही हो, इंटरचेंज हो सकता है, फिलहाल हम बी मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, मतलब जो ये रेडियस है इसको बी मान लेते हैं। तो हमको पीए क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है, पी इज इक्वल टू 1। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी का फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेनस का लेंथ कितना दिया हुआ है 17, और बेस जो है बेस रेडियस हो गया है 8 स्क्वायर, राइट। तो यहां पे 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 8 का स्क्वायर 64, तो यहां पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 225 हो गया, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो इस तरह से टेंजेंट का लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गया, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, दैट्स वेरी सिंपल, ओके।